गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन किससे करवाते हैं? थैलिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं। तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। ये फिनॉल है, ऐसा का ऐसा दूसरा एक और अणु लेते हैं, ये क्या है? फिनॉल। अभिक्रिया किससे करवानी है? थैलिक एनहाइड्राइड से। ये थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है, C डबल बॉन्ड O। ये है थैलिक एनहाइड्राइड। क्या है? थैलिक एनहाइड्राइड। इन दोनों की जो अभिक्रिया है वो करवाते हैं कंसल्टेड H2SO4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? कंसल्टेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शन में क्या होता है, यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है और यहां से ऑक्सीजन निकल जाता है, जल का अणु बाहर निकल जाता है और ये इस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा OH ये इस प्रकार से जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बनता है। इसका नाम है फिनोप्थ्रीन। इसका क्या नाम है? फिनोप्थ्रीन। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? फिनोक्लिन बनता है। ये जो फिनोक्लिन है, इस फिनोक्लिन का जो यूज होता है वो यूज आपने पढ़ा होगा जब आपने 11th के अंदर, 12th के अंदर, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर टाइट्रेशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? टाइट्रेशन पढ़े थे। उस टाइट्रेशन में एक टाइट्रेशन आता है एसिड बेस टाइट्रेशन। क्या आता है? एसिड बेस टाइट्रेशन। तो उस एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर इंडिकेटर के रूप में किसका यूज करते हैं? इसी फिनोक्लिन का यूज किया जाता है। तो इसका जो यूज है वो क्या है? इट इज यूज्ड एज इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस जो टाइट्रेशन होता है उसमें इसका यूज किसके रूप में करते हैं? इंडिकेटर के रूप में करते हैं, जो पता लगाता है कि रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो इस प्रकार से फिनोक्लिन का जो फॉर्मेशन है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? फिनॉल की रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड से करने पर बनता है। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।